स्वागत है आज लिटरेचर। ओके देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है हमारा बेसिक्स में। हम लोग स्टार्टिंग से अगर देखें साथियों, स्पेशली एंटी लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो तीन चीजें हमें समझ में आती हैं। अगर हम इसको नेट के लेवल पे भी अप्लाई कर देंगे तो दोनों ही तीनों ही जगह ये छोटा सा प्रेजेंटेशन काम आएगा आपके। देखिए साथियों, अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, तो इंग्लिश लिटरेचर या लिटरेचर फॉर दैट मैटर, कोई सा भी लिटरेचर हो, तो हम इसको देखते हैं कि ये बेसिकली एनी लिटरेरी कंपोजिशन विच हैज टू एलिमेंट्स, वन इज फॉर्म एंड वन इज कंटेंट। ओके, तो एनी लिटरेचर इज बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, फॉर्म एंड कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर्म, व्हाट डज इट मीन? सब्जेक्ट मैटर, इट मीन्स द सब्जेक्ट मैटर। ओके, दूसरी लाइट भी करा। एंड देन सॉरी, फॉर्म मीन्स लैंग्वेज एंड द सेकेंड इज कंटेंट विच मीन्स सब्जेक्ट मैटर। ओके, सो लिटरेचर में जब हम बात करते हैं, तो देखेंगे सारे साथी, मैंने बोला कि फॉर्म और कंटेंट, सो एनी लिटरेचर हैज टू एलिमेंट्स, फॉर्म एंड कंटेंट, एंड वी कैन से दैट If it we have got language and the second is subject matter. So what kind of language a literature should have? It should have a dignified language, a dignified language, and the content should be relevant, socially relevant. लिखते रहिएगा फटाफट, ठीक है? तो हमारा जो socially relevant content होना चाहिए literature में, और जो हमारी language होती है वो कैसी होनी चाहिए? It should have its own dignity. Okay, so when I talk about dignity, it means it should have a standard. All right, so what I am trying to say here is that the language should be literary. Note karenge, so there are two types of languages, if I want to say it like that. One is literary language and the second is what we call as conversational language, also known as colloquial language. All right, so guys, this is a very important introductory lecture where we are learning about what is literature. Literature is a composition which has two elements, a dignified language or form and a socially relevant content. So when we say that a fusion of form and content, so for our understanding we will put a formula over here, that is L is equal to F plus C. Any literature is a combination of form and content, right? So it's a very important kind of basic thing that we need to keep in our mind, all right? So I can see here Rajni Lata ji, Chanchal ji, Rohit ji, Pankaj ji, Sheila ji and Shivani ji. So aap sab logon ka swagat hai, Ramesh sir bhi hai hamare saath, sab logon ka swagat hai. So I hope sab logon ko meri awaaz, audio video bilkul clear ho raha hoga. परफेक्ट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कोई भी लिटरेचर पहले क्यों बना? उससे पहले लैंग्वेज बनी। लैंग्वेज क्यों बनी, उस पर बात हो रही है। सो लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड साउंड। All right, so if I say that, okay, A बोलो तो आपने A लिख दिया, उसकी एक साइन लिख दी। आपने बोला B बोलो तो B के आपने साइन लिख दिया। So any language is a combination between a sign and a sound, right? Now when I talk about language, as I have told you, it's a combination of sign and sound. What is a language? In fact, it's a combination of sign and sound.
ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां से दो तीन क्वेश्चन निकलेंगे कि लैंग्वेज का ओरिजिन क्यों हुआ? टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इमोशंस। ठीक है, हम लोग नॉन वर्बली भी तो अपनी बात कह ही रहे थे। ह्यूमैनिटी का राइज जब देखते हैं, तो जब इंसान के पास एक भाषा नहीं थी, और तब तो हम देखते हैं कि अपने जो बेसिक इमोशंस हैं, जैसे एंगर है, लव है, ओके, हंगर है, ठीक है, तो ये जितने भी इमोशंस हैं, बेसिक इमोशंस हैं, उनके लिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे थे। बट लैंग्वेज यानी वर्बल कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें अपनी भाषा को, हमें अपने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को व्यक्त करना था। जटिल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का उद्भव हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब अगर हम देखें कि कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हम जब लैंग्वेज देते हैं, तो यहाँ पर एक फीचर आता है आपका LT लेक्चरर लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन नेट के लैंग्वेज थ्योरीज में आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ फीचर व्हिच इज टिपिकल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन प्रेजेंट टाइम्स। ओके, जब आप अपने तीनों टाइम जोन को, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, ये तीनों को प्रेजेंट में व्यक्त कर सकें, तो आप क्या कहलाए जाएंगे? कि आपके अंदर लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट का फीचर है। यानी आप पास्ट के इमोशंस को भी तो व्यक्त कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट में ही होगा, फ्यूचर की बात भी आप अगर आप प्रेजेंट में कह पाए, तो दिस एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑल द थ्री टाइम जोन्स इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड एज, प्रेजेंट टाइम मतलब जब वक्ता बोल रहा है उस वक्त, अगर वो अपने तीनों टाइम जोन को व्यक्त कर पाता है, तो उस लैंग्वेज के फीचर को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं साथियों। और यहाँ पर ह्यूमन कम्युनिकेशन और एनिमल कम्युनिकेशन डिफरेंट है। एनिमल्स कैन ओनली कम्युनिकेट अबाउट देयर प्रेजेंट इमोशंस, दे कैन नॉट कम्युनिकेट देयर पास्ट, दे कैन नॉट कम्युनिकेट देयर फ्यूचर। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कश्यप जी, शिवानी कश्यप जी, समझ में आ रहा है आपको? रोहित भाई, पंकज जी, चंचल जी, स्पेशली आप तीन चार लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहला ही शायद एक आपका इंटरेक्शन होगा हमसे, तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिए, रजनीलता मैम और बाकी हमारे साथी शीला और अंजना जी, ये सब लोग थोड़ा बहुत एक बार सुन चुके हैं इस चीज़ को, रिविजन हालांकि कोई बुरी बात नहीं है और हमेशा ही कॉम्पिटिशन में हेल्प करता है रिविजन। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो आइए साथियों, आपको आगे ले चलते हैं इस सफर पर। तो मैंने आपको बताया कि लिटरेचर का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, आई होप आप लोग इसी सीक्वेंस में नोट कर रहे होंगे। उसके बाद मैंने बता दिया ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है और उसका ओरिजिन क्यों हुआ। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा बढ़ते हैं साथियों हम लोग, कि लिटरेचर का ओरिजिन या लिटरेचर के ओरिजिन के पीछे कॉज क्या है, ओरिजिन एंड कॉज ऑफ लिटरेचर। बहुत अच्छा सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, छोटा सा, ज्यादा मैं लैंग्वेज में घुमावदार बातें नहीं करता, सिंपल सरल तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसी कहावत है कि अगर कोई चीज सरल है तो उसको सरल माध्यम से ही समझाया जाना चाहिए, है ना। अब हम लोग कहते हैं कि गॉड है भाई, गॉड, अब गॉड तो बड़ा जटिल है, अगर देखा जाए कैसे व्यक्त करें। तो गॉड के बारे में कहा है एक फिलोसफर ने कि अगर ईश्वर सरल है तो उसे पाना भी सरल होना चाहिए। तो सरल प्रक्रियाएं, सरल सरलता अगर है तो कहते हैं वो ईश्वरी है, उतना सरल है कि वो ईश्वर जैसा है। तो सरलता हमारी पढ़ाई की, हमारी लाइफ की और हमारे पूरे की पूरी स्पिरिचुअलिज्म का सार है, एक निचोड़ है वो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ओरिजिन में सरलता के साथ अगर इसको देखें तो साहित्य का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से वो आया अस्तित्व में, वो है कि उसकी प्रभावकारिता, उसकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मासेस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह देंगे परसुएसिवनेस, अपनी बात को मनवाने की कला रखता है। ठीक है, उसमें भाषा के आधार पर एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा अट्रैक्शन है जो कहीं ना कहीं हम उसकी बात को मानने पर विवश हो जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक चार्म है, इट हैज अ यूनिक चार्म ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द मेन रीजन इज परसुएसिवनेस, ओके, एंड यू कैन डिफाइन परसुएसिवनेस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू परसुएड,
ठीक है, एबिलिटी टू कन्विंस द मासेस। ओके, तो मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे बहुत फेमस पोइट्री की लाइंस हैं इंग्लिश में, आप कई सारी लाइंस हैं अगर आप उनको सुनेंगे, जैसे कीट्स हर कोई कहता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग है वो ब्यूटीफुल ही रहती है हमेशा, ब्यूटी इज इमॉर्टल, हर कोई कहता है, लेकिन कीट्स कह गए कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कह गए कि नहीं, एंडीमियन में कह दिया कीट्स ने। अब ये बात जो है ऐसी हिट हुई लोगों के दिमाग में, ऐसा इसका असर हुआ कि भाई कीट्स कीट्स हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही बात कि लिटरेचर का बेसिक जो ओरिजिन करने का, क्योंकि लैंग्वेज अपना काम कर ही रही थी, लिटरेचर का उद्देश्य था, चाहे वो कोई भी लिटरेचर हो, उसका उद्देश्य था परसुएसिवनेस। तो यानी कि लिटरेचर का बेसिक फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, टू कन्विंस द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल को कन्विंस करना, उनको प्रभावित करना, ये लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब वो करेगा कैसे, अपने मैंने बताया भाषा और भाष्य, भाषा और भाष्य, भाषा कैसी होगी उसकी, मर्यादित होगी, और भाष्य कैसा होगा, समाजोपयोगी, सामाजिक, समाज के हिसाब से उपयोगी स्तर का होगा, तो हम उसको कहेंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर है, एक बार ऑनलाइन में बता दें, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, क्लियर समझ में आ रहा है सब लोगों को, हैंडराइटिंग, ऑडियो वीडियो सब अच्छा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखें भाई, सभी साथी मेरे साथ देखेंगे कि लिटरेचर के बेसिकली अगर हम देखें, टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं लिटरेचर में, टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या दो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं लिटरेचर के, जो कि कई बार आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। तो टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स में हम देखें कि क्या क्या ये दो तरीके के मीनिंग्स होते हैं, एक तो जिसको हम सरल शब्दों में कहते हैं डायरेक्ट मीनिंग, और एक होता है इनडायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग एंड इनडायरेक्ट मीनिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, जिसको हम लिटरल मीनिंग भी कह देते हैं, कई लोग लिटरल का मतलब लिटरेरी सोचते हैं, नहीं, लिटरल मीन्स डायरेक्ट, लिटरल मीनिंग, और ध्यान देना इसी को हम इनडायरेक्ट मीनिंग में क्या कहते हैं, फिगरेटिव मीनिंग, अलंकृत भाषा, अलंकारों से सुसज्जित भाषा, फिगरेटिव मीनिंग। सो लिटरल मीनिंग एंड फिगरेटिव मीनिंग, ऑल राइट, सो दिस इज अनदर नेम, एंड देन वी हैव गॉट डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डेनोटेटिव मीनिंग, डेनोटेटिव मीनिंग, ठीक है, एंड देन हेयर वी कॉल इट एज कॉनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग, ऑल राइट, देखते रहना है यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्ट मीनिंग, लिटरल मीनिंग, डेनोटेटिव मीनिंग, इसी को सरफेस मीनिंग भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सरफेस मीनिंग, और इसी को क्या कह देते हैं, डीपर मीनिंग, डीपर मीनिंग, जो सरफेस पे नहीं है, जो गहरा है, गूढ़ अर्थ कहते हैं हम हिंदी में, इसका गूढ़ार्थ क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अब जितने भी ये मीनिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं साहित्य एक दोधारी तलवार है, दो अर्थों से अपने मीनिंग्स को निकालते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रहना कि जो ये वाला कॉलम है, इनडायरेक्ट मीनिंग, फिगरेटिव, कॉनोटेटिव या डीपर मीनिंग्स, यही साहित्य में ज्यादा जरूरी होते हैं, दे हैव मोर, यू कैन से, इंपॉर्टेंस देन द डायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग तो कॉमन जनमानस की भाषा, ठीक, तो लिटरेचर में हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग को, एग्जाम में आएगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें कहें कि अब यहीं से देखते रहना कि पोइट्री जो, अगर हम इंग्लिश या लिटरेचर में कहें तो तीन तरीके के फॉर्म्स होते हैं, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा, क्या क्या होते हैं,
पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। तो इसमें अगर हम बात करें पोइट्री की, ध्यान से देखना, तो पोइट्री जो है, पोइट्री बेसिकली अगर हम बात करें तो पोइट्री ही आपका इनडायरेक्ट मीनिंग का मेन फॉर्म होता है। पोइट्री में आपसे पूछा जाता है कि पोइट्री को हम इनडायरेक्ट मीनिंग को प्रेफरेंस देते हैं पोइट्री में या डायरेक्ट मीनिंग को, तो आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट मीनिंग को, ठीक है ना। एक उदाहरण देता हूँ जल्दी से, हम कहते हैं फ्रॉस्ट की एक पोएम है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, मेंडिंग बॉल में एक लाइन है, मेंडिंग बॉल पोएम है सॉरी, और उसमें एक लाइन है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। अब अगर उसका डायरेक्ट मीनिंग देखें तो हम आप भी देखेंगे कि भाई गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, अच्छे जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो अच्छे नेबर, अच्छा नेबरहुड होता है उससे। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेंडिंग वॉल पढ़ी है तो आप समझेंगे कि वो एक्चुअली इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि गुड फेंसेज नेवर मेक गुड नेबर, इनफैक्ट फेंसेज आर मैन मेड एंड दे आर नॉट नेचर मेड, सो ही इज अगेंस्ट मेकिंग द फेंसेस बिटवीन द नेबर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑल राइट, सो वट आई एम ट्राइंग टू से हेयर इज दैट टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स में डायरेक्ट मीनिंग, कॉमन मीनिंग्स होते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होते हैं, फिगरेटिव और कॉनोटेटिव डीपर मीनिंग्स, ये पोइट्री में देखे जाते हैं, और लिटरेचर में भी हम इनडायरेक्ट मीनिंग को प्रेफरेंस देते हैं। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, जिसका कहीं पर छूटा है, कोई पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाना, वहाँ जाके आज की डेट में इस लेक्चर को फिर से अच्छे से सुन लेना, ठीक है। वैसे तो सारे लेक्चर आपको वहाँ पर मेरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम देखें साथियों पर्पस, साहित्य को लिखने का उद्देश्य क्या है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, हम एक वर्ड देख लेते हैं, रिटोरिक्स, ठीक है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बेसिक डेफिनेशन है लिटरेचर में रिटोरिक्स। हम कहते हैं इज अ गुड रिटोरिशियन, इज अ गुड रिटोरिशियन, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिटोरिक्स? तो साथियों रिटोरिक्स इज आर्ट ऑफ पर्सुएशन, आर्ट ऑफ पर्सुएशन, ठीक है, अपनी बात को मनवाने की कला, अपनी बात को वाक्पटुता, वाक्पटुता कह सकता हूं मैं, या फिर अपनी बात को हम कह सकते हैं कि कन्विंस करने की पावर, रिटोरिक्स कहलाता है। इसी को मैंने परसुएसिवनेस बोला था, अभी मैंने बताया था जबकि लिटरेचर का जन्म ही क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें परसुएसिवनेस है, ठीक है। इसको एक लैंग्वेज में हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, रिटोरिक्स, नोट कर लेना, ठीक है। अब एक वर्ड आता है प्रोजोडी, नोट करेंगे प्रोजोडी, तो प्रोजोडी ऐसे समझ लेना कि प्रोज के उल्टा है। प्रोजोडी क्या है, आर्ट ऑफ पर्सुएशन इन पोइट्री है, आर्ट ऑफ पर्सुएशन इन पोइट्री। पोइट्री में जब हम कोई नई तरीके से अपनी बात को कहें या कन्विंस कराने की कोशिश करें तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजोडी। और रिटोरिक्स क्या है, आर्ट ऑफ पर्सुएशन, इसी डेफिनेशन को पूरा कर देना, इन प्रोज, प्रोज में जब हम आर्ट ऑफ पर्सुएशन करें, प्रोज में हम फिगर्स ऑफ स्पीच का, आप कैसे अपनी बात को पूरा करें, कैसे अपनी बात को मनवाएंगे भाई, तो आप यही लिखेंगे कि सर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे। अब देख लेना इसको कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल साफ साफ लिखना मेरी क्लास में ना, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीचेस लिख देते हैं कोई लोग, गलत है, यहां पर प्लूरल होगा पहले वर्ड में, फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार, खूब सारे अलंकारों का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर हम प्रोज में फिगर ऑफ स्पीच करेंगे बहुत सारे तो उसको हम कहेंगे रिटोरिक्स, और फिर अगर हम पोइट्री में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजोडी, याद रखना। और प्रोजोडी की एक डेफिनेशन और है कि क्रिएटिंग न्यू मीटर्स, नए छंदों का प्रयोग भी प्रोजोडी कहलाएगा, ठीक है। जब हम नए नए छंद, नए प्रकार के मीटर्स क्रिएटिवली कोई पोएट क्रिएट करेगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रोजोडी कहेंगे। प्रोजोडिस्ट किसको कहते हैं, जो नए छंदों का निर्माण करता है कविता में, ठीक है। तो क्रिएटिंग न्यू मीटर्स इज कॉल्ड एज प्रोजोडिस, प्रोजोडिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी मैं आता हूँ कि मीटर क्या होता है सर, प्रोज क्या होता है, पोइट्री क्या होता है, बेसिक्स में पढ़ेंगे हम, बट फिर भी आपको ये बताते चले कि मीटर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, छंद स्वरों की एक व्यवस्था, स्वरों की एक व्यवस्था छंद कहलाती है, ठीक है। तो आपने लिख दिया मीटर, इंग्लिश में लिख दिया आपने अरेंजमेंट ऑफ सिलेबस,
इस डेफिनेशन को आप बिल्कुल रट्टा मार लें, कहीं नहीं मिलेगी सरल शब्दों में, कई बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और खाली में दिमाग खराब हमारा हो जाता है। मैंने अभी बताया था कि अगर ईश्वर सरल है तो उसे पाना भी सरल होना चाहिए। अब अगर ईश्वर जटिल है तो हम जटिल तरीकों से पाएंगे, अब अगर सरल है तो उसको हम सरल तरीकों से पाएंगे। तो यहाँ पर ईश्वर को रिप्लेस कर दीजिए अपने सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट सरल है तो सरल तरीके से हमें उसको हासिल करना चाहिए, सरल तरीका है। ठीक है, कभी भी याद रखना चीज़ों को जटिल करने से हमें अच्छा तो लगता है कि भाषा के जाल से हमने फंसा दिया या किसी को बहुत बम्बार्ड कर दिया हमने, बम्बार्डमेंट कहते हैं इसको, भाषा के स्तर पर किसी को नेस्तनाबूद कर देना, बहुत बड़े बड़े, अब मैंने हिंदी में यूज कर लिया, किंक कर्तव्य विमूढ़, अब कह तो दिया। ठीक है, किंक कर्तव्य विमूढ़, मैं आज भी वैसे ही आधा डाउन हो जाएगा कि यार गुरु जी ने क्या बोला ये। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं, सरल और सहज तरीके से काम का चलाते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? एक बार यस कर दें ऑनलाइन में। मीटर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स है भाई। ठीक है, और सिलेबस क्या है? स्वरों की एक व्यवस्था, सॉरी, सिलेबस क्या है? स्वर, स्वरों की व्यवस्था क्या है? मीटर। स्वरों को हम सिलेबस कहते हैं ना, वॉवल साउंड्स, वॉवल साउंड्स। एक ही को समझ में आ रहा है? रोहित को ही समझ में आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा? चंचल, शिवानी, किरण, रेनू मैम, और किसी को नहीं समझा पा रहा हूं मैं? अच्छा, आ रहा है समझ? तब तो ठीक। तो समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको बताया कि रिटोरिक्स फिगर्स ऑफ स्पीच है, और फिगर्स ऑफ स्पीच की पोइट्री में स्टडी रिटोरिक्स है ना, प्रोज, सॉरी, हाँ, प्रोज में, और पोइट्री में वही प्रोजोडी हो जाएगा। पोइट्री में क्या हो जाएगा? प्रोजोडी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, टू पर्पस, दो उद्देश्य क्या हैं लिटरेचर के, ऑफ राइटिंग लिटरेचर। लास्ट टॉपिक करते हैं गाइस, टू पर्पसेस ऑफ राइटिंग लिटरेचर। सारे साथी मेरे साथ, क्या है दो पर्पस लिटरेचर के, ध्यान से सुनना। पहला है आर्ट फॉर लाइफ सेक, कला से जीवन के लिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि कोई भी साहित्य है तो वो हमें सिखाने के लिए, नैतिकता सिखाने के लिए लिखा जाता है, एक ऐसा विचारधारा, स्कूल ऑफ थॉट है, तो उसको हम कहते हैं कि आर्ट का उद्देश्य क्या है? मोरालिटी सिखाने के लिए, नैतिकता के पाठ पढ़ाने के लिए साहित्य लिखा जाता है, हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें एक और बेहतर इंसान बनाने के लिए। हालांकि इसका जो ज़्यादा टेक्निकल शब्द है, जो कि भारी भरकम है, वही बात है, कॉम्पिटिशन में तो भारी भरकम चीज़ें पूछेगा ही ना, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक मीन्स मॉरली एजुकेटिव, आप लोग लिख लीजिएगा, नैतिक रूप से शिक्षाप्रद, तो उसको हम कहते हैं डाइडेक्टिक। ठीक हो गया, तो एक उद्देश्य यह है। दूसरा उद्देश्य है आर्ट फॉर आर्ट सेक, दूसरा वाला बहुत पूछ रहा है एग्जाम्स में, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कला से कला के लिए, यानी कला अपने आप में संपूर्ण है, कला अपने आप में ऑटोनॉमस है, कला अपने आप में, मैंने जैसे बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट है, क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट, ध्यान से सुनिएगा, कला अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आर्ट फॉर आर्ट से किसकी बात करता है? प्लेजर की। अंतिम उद्देश्य क्या है कला का? हमें प्लेजर देना, प्लेजर सीकर्स, और इसी को हम लोग एक वर्ड दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेडोनिज्म। आपके LT लेक्चरर, TET, PGT, NET तीनों लेवल्स पे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेडोनिज्म? इट्स अ फिलॉसफी विच बिलीव दैट प्लेजर इज द अल्टीमेट एंड ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट्स। जितने भी ह्यूमन एफर्ट दुनिया में होते हैं, जैसे पढ़ते हैं हम, कोई काम करता है, कोई ध्यान करता है, कोई, आप देखते हैं कि जो है भाई कितने सारे एक्टिविटीज हैं, कोई खाना बनाता है, कोई लुक आफ्टर करता है घर में फैमिली को, इन सारी चीज़ों का अल्टीमेट एंड क्या है?
that we are always looking for pleasure in every activity. So इस विचारधारा को हेडोनिज्म कहा जाता है, ठीक है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन. और इसका जो बड़ा फेमस नाम है वो है एस्थेटिसिज्म. आर्ट फॉर आर्ट से का जो दूसरा और बहुत पॉपुलर नाम है, फ्रांस से ये थियरी निकली है मिड 19th सेंचुरी में एस्थेटिसिज्म निकला है फ्रांस से, ठीक है. तो आर्ट फॉर आर्ट से कला के लिए बड़ी फेमस लाइन है, रोज इज अ रोज इज अ रोज इज अ रोज. हेडोनिज्म इज प्लेजर सीकर्स. प्लेजर लिखो, सीकर्स लिख दो, SEEKERS, प्लेजर सीकर्स, ठीक है, क्लियर. तो आज साथियों आज इतना कर लेते हैं हम लोग. आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिएगा परगई सर को कि सर हमें अच्छा लगा, कल भी हम लोग सर एक बार और देखते हैं फिर बेसिक्स लगे तो, नहीं लगे तो अपना बुरा लगा तो लिटरेचर की शैली में हम बुरा लगा नहीं कह देते हैं ना, उसको चुप ही रहते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन अच्छा लगा तो हम कह देते हैं कि सर अच्छा लगा, आप कल भी सर पढ़ाइएगा. और ये नए साथियों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फीस वगैरह नहीं ले रहे हम पहले ये चाहते हैं कि आपके अंदर एक रोमांच पैदा हो सब्जेक्ट को सीखने को लेकर. कुछ बच्चों ने हमें दे दिए फीस क्योंकि पहले पढ़ चुके थे ऑफकोर्स, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ इन जनरल ना. तो आपका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि सर लिटरेचर में हमें बेसिक्स एकदम हमारे पक्के हो जाएं, उसके बाद हम भारी भरकम शब्द हैं शेक्सपियर मिल्टन और जॉन डन और ये सब बड़े बड़े राइटर्स की ओर देखें. क्योंकि हमेशा रास्ता सीधा ही सही है, ठीक है, आप डिफिकल्ट से इजी भी कर सकते हैं, मगर उल्टा रास्ता क्यों चलना जब मैं हूँ आपके साथ, तो बेसिक से डिफिकल्ट की ओर जाइए, ठीक है, समझ रहे हैं. तो अभी 5-7 मिनट बाद हम लोग शेक्सपियर पर एक लेक्चर लाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट होगा, बट सारे बच्चे क्योंकि जुड़े गए हैं यही लिंक रहेगा. मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के थोड़ा रिफ्रेश होकर आप लोगों के साथ मिलता हूँ शेक्सपियर के लेक्चर में, ठीक है. और ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग अपने रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, स्पेशली जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, ठीक है. पर नहीं सर.